तरीका से सुधा मारो देवी लगते हुए। दाल मिल गई तो आटा नहीं मिला, और आटा मिल गया तो दाल नहीं मिली। आज सुशीला रो करके कहने लगी कि प्रभु ऐसे मैंने कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे ये दुख झेलने के लिए मिल रहे हैं। एक दिन रो करके क्या बोली कि पामिनी रोए रही घर में, पामिनी रोए रही घर में, हरी करे समय अपने किया सुशीला, कहने लगी कि ऐसा बताओ कि ऐसे हमारे कौन से पाप थे जिसकी वजह से हमें ये गरीबी भोगने के लिए मिल रही है। तो उसी समय सुदामा ने कहा कि आपके कोई ऐसे भाग्य नहीं थे, बल्कि मुझे ही गुरु मैया ने श्राप दिया था जिसके कारण हम ये भोग भोग रहे हैं। तो उसी समय आज भामिनी ने समझा करके कहा कि हे नाथ, आपके तो मित्र जो द्वारकाधीश नाथ है वो है, फिर भी हम और आप इन कष्टों को क्यों झेल रहे हैं। आप ऐसा करो कि आप कन्हैया के पास में चले जाओ, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो उसी समय आज सुदामा ने कहा कि भामिनी, गरीबी में कोई किसी का साथी नहीं होता, सगे भाई भी छोड़ जाते हैं, और आप कह रही हो कि मैं अपने मित्र के पास चला जाऊं। तो अनेकों प्रकार से आज भामिनी ने समझाया। जब समझाया तो उसी समय सुदामा ने कहा कि जब जब गुरु या मित्र के पास जाया जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। यदि आप हमें थोड़ा सा अनाज ला करके दे दें तो हम चले जाएंगे। तो उसी समय आज मैया सुशीला ने अपनी पड़ोसी के यहाँ से थोड़े से चावल लिए, और चावल लेने के बाद आज सुदामा को दिए और क्या बोली कि चले जइयो द्वारका को सैया, चले जइयो, चले जइयो द्वारका को राजा, चले जइयो।
आज इस तरीका से जब कहा तो श्री राधे उसी समय आज सुदामा चलने के लिए तैयार हो गए और जैसे ही चले तो धीरे धीरे आज वन में पहुंच गए तो वहां जा करके सुदामा थक गए और हार करके बैठ गए और कहने लगे कन्हैया यदि तुझे बुलाना हो तो बुला ले नहीं मैं तो यहीं बैठा हूँ। तो उसी समय जैसे ही प्रभु को बुलाया तो प्रभु ने अपने दूतों को भेजा और दूतों को बुला करके आज सुदामा को द्वारकापुरी में छुड़वा दिया। आज जैसे ही सुदामा द्वारकापुरी में आए तो उसी समय चारों तरफ देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ महल दिखाई दे रहे हैं। तो आज सुदामा द्वारकाधीश के द्वार पर पहुंचे और जैसे ही द्वारकाधीश के द्वार पर पहुंचे तो उसी समय द्वारपालों से कहा कि भैया ये बता कि जनगरी का नाम क्या है। तो जैसे ही कहा कि इस नगरी का नाम क्या है तो द्वारपाल कहने लगे कि द्वारका छह। अब सुदामा चक्कर में पड़ गए बोले हमें तो एक ही द्वारका में जाना हो अब तो छह छह द्वारका है अब हमें नमें कैसे ढूंढे कि हमारा कन्हैया कौन सी द्वारका में रहते हैं। बोले भैया जहाँ के राजा का नाम का है बोले कन्हैया छह। अब तो सुदामा चक्कर खाए के गिर पड़े बोले हमें तो बस एक ही द्वारका में जाना हो एक ही कन्हैया से मिल लो यहाँ पे तो छह छह कन्हैया छह छह द्वारका है अब हम का करें। तो उसी समय द्वारपालों ने कहा कि आप अपना परिचय दो। तो उसी समय सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि कांचनपुर है हमारो तरीका से कहा कि हम और कृष्ण एक साथ पड़े थे और हम कन्हैया के मित्र हैं। और जैसे ही इतने शब्द कहे द्वारपाल हंसने लगे और कहने लगे बताओ तुमने अपनी सकल कबहु आईना में देखी तुम और कृष्ण मित्र कैसे देखो अपनी सकल ने को धोती फटी लुटी है जे लग रही न जाने कितने दिन से स्नान नहीं किया। तो उसी समय आज जब कहा तो आज सुदामा क्या बोले अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है।
बिहारी लाल की। आज इस तरीका से जैसे ही कहा है उसी समय आज कन्हैया भागते हुए आए और आकर के सुदामा के गले जैसे निपट गए और क्या बोले, अरे ऐसे बेहाल बिवाए न सुन पर जान लगे से जैसे ही प्रभु और सुदामा का मिलन हुआ है, दोनों ने बाहें में बाहें डाल ली और रोने लगे। प्रभु ने कहा कि ये बताओ सुदामा, आज तक आप ऐसे ही डोलते रहे, यदि आप हमारे पास आ जाते तो हम और आप आपस में मिल बांट के इस दुख को कम कर देते। इधर रुक्मिणी को आदेश दे दिया कि मेरा मित्र आया है तो ऐसा करो कि भोजन की तैयारी करो, और तब तक बलराम भी आ गए। तो उसी समय कन्हैया कहने लगे कि भैया जी बता कि हमारी भाभी ने कछु भेंट भेजी है या नहीं। सुदामा ने अपने चावल ले और अपनी बगल के नीचे दबा ले, बोले यदि हमने जो दिखाए के चावल लाए तो जो कहे का देखो तो और कछु न मिलो, इन्हें जे चावल ही मिले। तो कन्हैया भी समझ गए। कन्हैया ने कहा कि और इसी बीच में पूनम दीदी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आपको सदैव सुख शांति प्रदान करें। तो उसी समय बलराम आ गए और बलराम को देख करके कन्हैया ने एक लीला की और कहा कि भैया जब हम और तुम गुरु संदीपन की वहाँ पे पढ़ते थे तो जब बलराम भैया आते थे तो हम तुम उठ के कहते थे भैया राम राम, और देखो भैया बलराम आ रहे हैं, ऐसा करो कि राम राम करे बस शुरू कर दे। और जैसे ही बलराम आए तो कन्हैया ने ऊपर हाथ करे तो सुदामा ने, और जैसे ही सुदामा ने ऊपर हाथ किए उसी समय पोटली नीचे गिर पड़ी। उसी समय सुदामा ने पोटली को उठाया और चावलों को चावने लगे। किस तरीका से और जब इस तरीका से कहा तो आज प्रभु चावलों को चावने लगे। किस तरीका से कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा Yeah.
से प्रभु ने चावल को चावा, तो जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी उसी समय रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और एक बात कही, अरे बात मेरी मान लो प्रभु ऐसा ना कीजिए। लोक भी दे दिया तो हम और आप कहाँ रहेंगे। तो इस तरीका से प्रभु ने दो लोक दिए हैं सुदामा को और सुदामा की दरिद्रता को दूर किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सवरिया सेठ की। इधर श्री सुखदेव जी परिचित को कथा श्रवण करा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज कथा का अंतिम चरण है, अब आप ये बताओ कि आपके मन से डर गया या नहीं। तो उसी समय आज परीक्षित ने कहा कि अब मुझे किसी बात का भय नहीं है। इधर परीक्षित महाराज डर रहेगा ना डर जी बताओ तुम्हें कथा आज